MLM जनरेशन प्लान दुनिया का सबसे फेमस और सबसे रिलायबल बिजनेस प्लान है। हेलो एवरीवन, मैं यश सेठ, सीईओ ऑफ YKS ग्रुप, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे MLM बिजनेस प्लान के थर्ड एपिसोड की, और ये थर्ड एपिसोड में हम समझेंगे MLM जनरेशन प्लान के बारे में। आप सबको पता होगा, दुनिया की जितनी भी टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उसमें से 80% कंपनीज जनरेशन प्लान पे चलती है। जनरेशन प्लान सबसे फेमस और सबसे रिलायबल माना जाता है। जब दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी तब सबसे पहला प्लान जनरेशन प्लान था। तो ये जनरेशन प्लान के बहुत सारे कॉमन कीवर्ड्स हम समझेंगे, उसके बाद उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें कौन कौन से टाइप की इनकम्स कवर होती है वो हम समझेंगे। हमारे ये MLM बिजनेस प्लान की जानकारी वाली सीरीज को आपने बहुत प्यार दिया है। बाइनरी मैट्रिक्स वाले प्लान में बहुत सारे लोगों के हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, इसीलिए इसको मैंने ज्यादा प्रायोरिटी देके जनरेशन प्लान पे जंप किया है। ये वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या पहले आ चुके हो बट हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है, तो आप सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको कॉन्स्टेंट नॉलेज मिलता रहेगा। और आने वाले संडे को या सैटरडे को हम लोग MLM कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए एक लाइव सेशन करने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। चलो फिर से शुरू करते हैं MLM जनरेशन प्लान। जैसे आप सबको पता है, हमने बाइनरी में मैट्रिक्स में उसके ट्री स्ट्रक्चर से शुरू किया था, क्योंकि कोई भी MLM का बिजनेस प्लान है उसके ट्री स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे MLM जनरेशन प्लान का ट्री स्ट्रक्चर। जनरेशन प्लान का ट्री स्ट्रक्चर, जितने भी MLM प्लान है उसमें से अगर सबसे सिंप्लीफाइड ट्री स्ट्रक्चर हो तो जनरेशन प्लान का, ऐसा मेरा मानना है। बाइनरी में आपको दो लेग समझने पड़ते हैं, तीसरा आया तो वो स्पिल ओवर होता है। मैट्रिक्स में विड्थ और डेप्थ का कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। इसमें अगर एक आम आदमी समझे तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो जिसके नीचे आया वो उसके डाउन लाइन, और ऐसे उसका ट्री चलेगा। जैसे हम समझते हैं कि कोई एक्स बंदे ने शुरू किया, एक्स बंदे ने वाई को ज्वाइन कराया, वाई ने जेड को, एक्स ने ए को, एक्स ने बी को, जितने एक्स जितने भी पर्सनल स्पॉन्सर करेगा, पर्सनल रेफरल्स, वो यहां पे बढ़ते जाएगा। इसमें विड्थ का कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है, जितनी विड्थ हो सके उतनी हो सकती है, और डेप्थ वो भी जितनी हो सकती है। ये लोग जो बिजनेस करेंगे उस हिसाब से उसके डाउनलाइन में आएगा, मतलब देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ विड्थ एंड डेप्थ, देयर इज नो स्पिल ओवर। आपका स्पॉन्सर आपके फर्स्ट लेवल में ही रहेगा, आपके फर्स्ट लेवल के स्पॉन्सर आपके सेकंड लेवल में ही रहेंगे। तो इन शॉर्ट, अनलिमिटेड विड्थ, अनलिमिटेड डेप्थ। तो जीनियोलॉजी का ट्री स्ट्रक्चर अगर आपसे कोई पूछे या आपको समझना है कोई भी जीनियोलॉजी बिजनेस प्लान, तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि इसमें अनलिमिटेड विड्थ और अनलिमिटेड डेप्थ होता है, मतलब जब जिसको कोई स्पॉन्सर करेगा वो उसके नीचे चला जाएगा। देयर इज नो टर्म्स एंड कंडीशंस। क्लियर? कोई डाउट है आपको ट्री स्ट्रक्चर रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करके कॉल पे या कमेंट में आपको गाइड कर दूंगा। अब हम समझते हैं इसके बाद इसका फ्रंट लाइन और डाउन लाइन क्या होता है। व्हाट इज फ्रंट लाइन एंड व्हाट इज डाउन लाइन? अगर आपने हमारा बाइनरी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको मोस्टली पता होगा कि फ्रंट लाइन किसे कहते हैं, डाउन लाइन किसे कहते हैं। अगर पर आपने नहीं देखा तो ये कंसेप्ट क्लियर करना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जितना बाइनरी में यूज नहीं होता उतना जनरेशन में यूज होता है। तो जैसे मैंने एक कॉन्सेप्चुअल ट्री बनाया है, एक्स है, एक्स के नीचे ए बी सी डी है, बी के नीचे पी एंड क्यू है, और क्यू के नीचे ई एंड एफ है।
अब अगर एक्स बंदा है उसको मैं मिलता हूं, मैं पूछता हूं कितना फ्रंट लाइन है आपका, तो कई लोग क्या गलती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लोग हैं मेरी टीम में, उनको फ्रंट लाइन नहीं बोलते हैं, उसको टोटल डाउनलाइन बोलते हैं। बट लॉजिकल कंसेप्ट में ये पोर्शन और ये इनफाइनाइट पोर्शन, ये पोर्शन को फ्रंट लाइन बोलते हैं और ये जो इनफाइनाइट पोर्शन है उसको डाउनलाइन बोलते हैं। अब ऐसे क्यों करना पड़ा होगा? अगर आप थोड़ा भी अवेयर हो वेस्टीज एमवे मोदी केयर जैसे प्लान में, तो वहां पे वो लोग है ना, इस बंदे को 6 लोग संभालने हैं या 8 लोग संभालने हैं, कौन से? फ्रंट लाइन के। और फ्रंट लाइन के लोगों को गाइड करना है कि आप आपके फ्रंट लाइन के लोगों को संभालो और सेम चीज रिपीट होनी चाहिए। तो एक बंदा पर्सनली उसके फ्रंट लाइन पे वर्क करेगा तो जनरेशन प्लान अपने आप खुद में खुद चलेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा फोकस जनरेशन प्लान में, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो फ्रंट लाइन पे होता है। फ्रंट लाइन वाले बी के लिए फ्रंट लाइन कौन हुआ? सही जवाब पी एंड क्यू। क्यू के लिए फ्रंट लाइन कौन हुआ? ई एंड एफ। तो इस तरह से फ्रंट लाइन और डाउन लाइन का डिफरेंस रहता है। यह समझने के बाद अब हम समझते हैं कि कुछ कॉमन कीवर्ड्स, जैसे कि बीवी क्या होता है, पीवी क्या होता है। जनरेशन प्लान में बीवी पीवी आपने ज्यादा सुना होगा, पीवी बहुत कम सुना होगा, बीवी सबसे ज्यादा सुना होगा। 70-90% केसेस में सिर्फ ये रहेगा और 10-20% केसेस में पीवी भी रहेगा। अब बीवी का एक्चुअली देखो, ये जो दो कीवर्ड्स है उसका कोई प्री डिफाइंड, मतलब कोई बुक में या जैसे भगवद गीता है उसमें लिखा हुआ, ऐसा कहीं पे इसके बारे में लिखा नहीं है। मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको समझा रहा हूं कि कल जाके आपको कोई ये वर्ड यूज करे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि ये किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो बीवी है बिजनेस वॉल्यूम, कई लोग बिजनेस वैल्यू बोलते हैं, बिजनेस वॉल्यूम पीवी, पॉइंट वैल्यू, या तो एमएलएम में पीवी का मतलब पैकेज वैल्यू भी होता है। पैकेज वैल्यू सबसे ज्यादा पीवी का मतलब बीवी में, सॉरी बाइनरी में होता है। और अगर जनरेशन में यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग होता है पॉइंट वैल्यू। अब ये क्या होता है बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट वॉल्यूम? मानो के कोई एक प्रोडक्ट है जो 130 एमआरपी है। अब आपको ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि एमएलएम इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट की बहुत सारी चीजें होती है, एमआरपी, डीपी, बीवी, पीवी, बहुत सारी चीजें होती है। तो एमआरपी के साथ डीपी, डीपी हम समझेंगे क्या होता है। तो समझो ये प्रोडक्ट का उन्होंने बिजनेस वॉल्यूम रख दिया 50। नॉर्मली कंपनीज क्या करती है कि वो जितना फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है वो प्रोडक्ट का बीवी रख देती है, या तो रुपए एमआरपी जो उसका है डीपी ज्यादा हो बट डिस्ट्रीब्यूशन कम करना पड़े इसलिए उसका बीवी अलोकेट होता है और उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप कहीं पे भी देखना, इनकम तो बीवी पे होती है, टर्नओवर की इनकम जो फंड्स मिलते हैं वो भी बीवी पे होता है, तो वो डीपी या एमआरपी पे नहीं होगा, बीवी पे होगा। तो जो भी आपका करियर है जनरेशन प्लान में डिसाइड होगा वो बीवी बेस्ड होगा। तो हर एक प्रोडक्ट का बीवी और पीवी समझने का ट्राई करिए। पीवी क्या होता है? अब क्या करते हैं लोग कि 200 रुपए की प्रोडक्ट है तो हर 20 रुपये इक्वल टू 1 पीवी। तो 200 की अगर मैंने प्रोडक्ट ली तो मुझे 10 पीवी मिल गए एंड 10 पीवी इक्वल टू 3 बीवी। सो ऐसे कन्वर्जन होके एक्चुअल यूजर को नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। अगर 130 एमआरपी है तो एमआरपी पे मैं बोलूंगा कि 20% डिस्ट्रीब्यूशन है तो फेयर इनफ, आपको पता चलेगा कि 130 रुपए में से 20 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बट इसमें से 50 बीवी, बीवी का मैं पीवी कन्वर्ट करूं और पीवी का आपको इतना मिलेगा तो भाई कहां चक्कर घूम रहा है, समझ रहे हो? तो ये एक कन्वर्जन स्टैंडर्ड्स है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जनरेशन में यूज करती ही करती है। इसके बेनिफिट्स भी है
सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बहुत इजी रहता है कि इसे सॉफ्टवेयर का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनता है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन इजी रहता है, कैलकुलेशन इजी रहता है। तो बीवी और पीवी के ये फायदे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के बाद आप कहीं पे भी जनरेशन प्लान में बीवी या पीवी समझोगे, सुनोगे, तो आपको आइडिया आएगा कि ये किस चीज के लिए है। अब हम समझते हैं कि बीवी के साथ बहुत सारे प्रीफिक्स जुड़ते हैं, वो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। बीवी हमने समझ लिया। अब बीवी के साथ कई बार इनकम कैलकुलेशन में, जनरेशन प्लान में ये वर्ड्स यूज होते हैं, एसबीवी, जीबीवी, पीजीबीवी। एसबीवी का मतलब बहुत सिंपल है, सेल्फ। सेल्फ बीवी मतलब बहुत सारी कंपनीज कंडीशन रखती है कि एक स्टेज पे पहुंच जाने के बाद ये इनकम लेने के लिए 300 एसबीवी एवरी मंथ होना जरूरी है। तो इसके लिए एसबीवी की खोज हुई जिससे आपको पता चले कि भाई खुद मैं कितनी खरीदी कर रहा हूं। जीबीवी मतलब ग्रुप बीवी। जीबीवी में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये आप हो और ये आपका ग्रुप है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने बहुत छोटा ड्रॉ किया है। तो ये पूरा इंक्लूडिंग एसबीवी और आपकी फ्रंटलाइन और आपकी डाउनलाइन का बीवी, उसको बोलते हैं जीबीवी। तो ये क्यों होता है, कई बार कई इनकम में होता है कि यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस इनकम व्हेन यू विल अचीव 5000 जीबीवी, 10000 जीबीवी, 20000 जीबीवी। तो वो अचीव करने के लिए जीबीवी का यूज होता है। या तो आप डायरेक्टर तब बनोगे जब आप इतना जीबीवी कंप्लीट करोगे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जब मुझे पता चला था तब मुझे बहुत यूनिक लगा था कि डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिफॉर्मिटी के लिए इसका बहुत जरूरी है। पीजीबीवी पर्सनल ग्रुप बीवी। अब ये क्या होता है, पीजीबीवी समझने के लिए थोड़ा छोटा सा डायरेक्टर कॉन्सेप्ट अगर आपको ना पता है, तो जैसे हमने यहां पे बताया कि अगर आपने 10000 बीवी अचीव कर दिए तो आप बन जाओगे डायरेक्टर। अब मानो कि मेरे नीचे और दो डायरेक्टर है, ये मैं मिटा देता हूं तो आपको बड़े ट्री में पता चलेगा। अब ये बंदा है, उसका पीजीबीवी कितना होगा, मानो कि ये भी डायरेक्टर है, ये भी डायरेक्टर है और ये उसका सीनियर डायरेक्टर है। तो इसका पीजीबीवी में ये और उसकी डाउनलाइन कैलकुलेट नहीं होगा, ये और उसकी डाउनलाइन कैलकुलेट नहीं होगा, और बाकी जो बीवी है उसका टोटल पीजीबीवी कहा जाएगा, पर्सनल ग्रुप बीवी। जिससे क्या होता है कि यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो ऊपर फ्लो नहीं होता। जिससे अगर आपने बोला कि ये 12% डिस्ट्रीब्यूट होना है तो 12% यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। तो एसबीवी, जीबीवी, पीजीबीवी क्लियर। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या मुझे व्हाट्सएप करिए, ये डाउट मैं आपका सॉल्व कर दूं। जनरेशन प्लान में पैकेजेस कैसे होते हैं, सच बताऊं पैकेज होते ही नहीं है। जनरेशन के अलावा दुनिया के जितने भी बिजनेस प्लान है, बाइनरी, क्राउड फंडिंग, हेल्पिंग, या आप ले लो मैट्रिक्स, यूनिलेवल, ऑस्ट्रेलियन बाइनरी, तो इन सब में क्या होता है कि या तो पिन अमाउंट होता है या तो ज्वाइनिंग अमाउंट होता है। 2000 में ज्वाइन करो, आपको ये मिलेगा, उसके बाद आप ये करवा सकते हो। तो जनरेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है नो ज्वाइनिंग अमाउंट। ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं होता। जो भी जेन्यून जनरेशन कंपनीज है उसमें आप फ्री ज्वाइन हो सकते हो। उनके स्टोर पे जाइए, साबुन खरीद लीजिए, उसका बीवी आपको मिलेगा, आपकी अपलाइन को मिलेगा। ऑनलाइन जनरेशन है तो ऑनलाइन आप ऑर्डर करिए, आपके घर पे डिलीवर हुआ, आपको उसका बीवी मिलेगा या पीवी मिलेगा, आपकी अपलाइन को बीवी या पीवी मिलेगा। बहुत सिंपल है। पिछले 2-3 साल में मैंने बहुत सारी ऐसी जनरेशन कंपनीज हुई जो पैकेज देती है, लोगों ने कुछ हाइब्रिड चीजें यूज करी है उनकी प्रोडक्ट को ज्यादा बूस्टअप करने के लिए कि 1500 का ज्वाइनिंग है
जिसके अंदर आपको ये जूस मिलेगा, ये साबुन मिलेगा, ये टॉयलेट क्लीनर मिलेगा। उसके बाद आप जो जो खरीदोगे उस तरह से बीवी आपको मिलते जाएंगे। ऐसी कंपनीज को मैं प्योर जनरेशन कंपनीज नहीं मानता, बिकॉज जनरेशन कंपनी अगर प्योर है तो उसमें पैकेज होता ही नहीं है। जीरो अमाउंट से ज्वाइनिंग करो और आप खरीदी करो। बाइनरी में और जनरेशन का हाइब्रिड बन सकता है, उसमें बाइनरी में भी जनरेशन ट्री यूज हो सकता है, ये वो मैं फ्यूचर में कोई और वीडियो में बताऊंगा, वरना वो एक बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, पैकेज जनरेशन में नहीं होता है। अब हम समझते हैं कि जनरेशन प्लान में कौन कौन से टाइप की इनकम दी जाती है और उसका डिटेलिंग क्या है। तो सबसे पहला कॉमन और सबसे इजी इनकम है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट कहा जाता है वन ऑफ द टाइप ऑफ इनकम को। इसको समझने के लिए हमें तीन चीजें समझनी पड़ेगी, एमआरपी, डीपी और बीवी। कोई भी प्रोडक्ट का ये तीन चीज जनरेशन प्लान में होती ही होती है, बीवी की ज्यादा जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो एमआरपी मतलब हम सबको पता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसमें यह प्रोडक्ट बिक सकती है। डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, मतलब ये लोग एक प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट का एमआरपी 100 रुपीज है तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को ये प्रोडक्ट 80 रुपीज में पड़ेगी। तो 20 रुपया वो फ्लैट ले सकता है और वो आगे 100 रुपीज में बेच सकता है। अब ये डीपी में से, एमआरपी में से रिटेल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमें डीपी मिलेगा, मतलब 100 रुपीज एमआरपी, रिटेल प्रॉफिट 20 रुपीज, 100 माइनस 20 इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। ये एक फॉर्मूला हो गया उसका। रिटेल प्रॉफिट निकालना है तो एमआरपी माइनस डीपी, 100 रुपीज एमआरपी है, 80 रुपीज डीपी है, 20 रुपीज हो गया हमारा रिटेल प्रॉफिट। अब रिटेल प्रॉफिट मोस्टली कंपनीज परसेंटेज में रखती है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का फ्लैट रिटेल प्रॉफिट रखना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आप 10 से ज्यादा प्रोडक्ट लाए हो और ज्यादा प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने वाले हो, तो ये होता है हर टाइम परसेंटेज में। और ये परसेंटेज की रेंज होती है 5% से 25%। आइडियल, ये कोई रूल नहीं है कि इतना ही रखना चाहिए, आइडियली 5% से लेकर 25% रखी जाती है। मैं सजेस्ट करूंगा 10-20% की रेंज ही रखे आप लोग। रिटेल प्रॉफिट के बाद देखते हैं नेक्स्ट इनकम टाइप। अगली इनकम है जनरेशन में परफॉर्मेंस बोनस। बहुत प्यारी इनकम है, बहुत अट्रैक्टिव इनकम है, थोड़ी थोड़ी मिलती है, बट आप कुछ भी खरीदी करो आपको कुछ ना कुछ एहसास होगा कि मुझे इसका कुछ मिलने वाला है। मैंने यहां पे बहुत बेयर मिनिमम एग्जांपल लिया है, इसका कोई बिजनेस प्लान के साथ रिलेशन नहीं है। तो ये बीवी रेंज है 0 to 1000 बीवी, तो कितना परसेंट परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, 5%, 1001 से 5000 तो 8%, 5001 से 10000 तो 12%, 10001 से 20000 तो 15%। इसमें आपको समझना पड़ेगा एसबीवी, ग्रूबीवी, सॉरी जीबीवी और आपके फ्रंट लाइन का जीबीवी। इससे ये बहुत इतना स्मार्टली डिजाइन किया है, जो बंदे ने भी जब पहली बार सोचा होगा इतना स्मार्टली डिजाइन किया है कि अगर आपने सोचा है कि ये रेंज में 8% जाएगा तो पूरे नेटवर्क में सिर्फ 80% जाता है। फिर ऐसा नहीं मेरी फ्रंटलाइन को 8% मिल रहा है तो मुझे भी 8, अगर उसको 8 मिल रहा है तो मुझे 0 मिलेगा। मैं समझाता हूं एग्जांपल से तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मानो कि ये एक बंदा है, दिख रहा है ना, और उसके नीचे ये 3 लोग हैं। मानो हम 12% रेंज में है, ये 5, 8 और 12, वो खुद भी कोई ना कोई रेंज में तो आएंगे। तो 12% में मैंने जो पर्सनल बीवी किया होगा एसबीवी, उसका फ्लैट 12% मुझे मिल जाएगा, कहानी एसबीवी की खत्म। अब ये जो फ्रंट लाइन में अपना बंदा है वो 5% में है, तो मानो 5% रेंज है तो 500 बीवी किया, तो वो 500 बीवी का 5% वो उसके हिसाब से जो हो रहा है वो हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8%।
तो 500 बीवी का 8% उसको सॉरी मतलब इसको मिलेगा, इसका जितना मिला फिर डिफरेंस 4% है, तो इसको इसके जो बीवी आ रहा है उसका 4% मिलेगा, और यहां 12 है यहां 12 है, तो इससे 1,00,000 बीवी भी हो जाए, जो प्रैक्टिकली एक तो नहीं होंगे, यहां पे 10,000 की रेंज है, तो 10,000 तक के बीवी का 0% मिलेगा, बिकॉज वो भी 12% में है, हम भी 12% में, इससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। हुआ क्लियर कि कोई कंफ्यूजन है? बहुत सिंपल है, आपने आप जो रेंज में हो, अब ये जो रेंज डिसाइड होती है वो सबकी मिला के होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे पूरा जीबीवी क्या है उससे मेरी रेंज डिसाइड होती है, फिर मेरा एसबीवी मेरी रेंज के हिसाब से मिलता है, और मेरी फ्रंट लाइन के जो भी रेंज है उसके डिफरेंस का मुझे मिलता है। अब इसमें कई कंपनीज एवरी मंथ रखती है, कई कंपनी कैरी फॉरवर्ड रखती है, एवरी मंथ मतलब पहली तारीख से 30 तारीख में जो हुआ उस हिसाब से मिल जाएगा, अगले महीने से फिर से कहानी शुरू जीरो से। कई कंपनी कैरी फॉरवर्ड रखती है कि भाई आप लाइफ टाइम ये अचीव कर सकते हो, और इसके बेसिस पे दूसरी इनकम्स डिसाइड होती है कि इसके बाद अब कहानी शुरू होगी रॉयल्टी की, कहानी शुरू होगी डायरेक्टर की, टैग की, और बहुत सारी। तो परफॉर्मेंस बोनस में कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, ये इनिशियल इनकम है जनरेशन की। नेक्स्ट इनकम है डायरेक्टर बोनस इनकम, कोई लोग स्टार डायरेक्टर बोनस कहते हैं, कोई लोग डायरेक्टर रॉयल्टी, डायरेक्टर फंड, बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो डायरेक्टर के बिना अगर कोई अलग टैगलाइन आप दे रहे हो, जैसे जो हमने परफॉर्मेंस बोनस में देखा, परफॉर्मेंस बोनस का जो लास्ट स्टेज है वो कंप्लीट करने के बाद यू विल बिकम डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने के बाद आपको कंपनी अपने टर्नओवर का 12%, 8%, 6%, 14% देगी। इसमें वो चीज याद करिए जब मैंने बीवी में बोला था, बीवी के टर्नओवर का, कई कंपनीज बहुत अच्छी होती है डीपी के टर्नओवर का देती है, एमआरपी पे तो कोई नहीं देगा, डीपी का टर्नओवर या तो बीवी का टर्नओवर, जिस तरह का कंपनी का बिजनेस प्लान होगा। अब डायरेक्टर बोनस में डीपी पॉइंट, दूसरी जो इनकम्स मतलब दूसरे जो बिजनेस प्लान्स है जिसमें बाइनरी या दूसरे आते हैं, उसमें जब भी रॉयल्टी की बात आती है या फंड्स की बात आती है, तब जितने भी अचीवर्स है उन सब अचीवर में कंपनी के टर्नओवर का 3% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहां पे ऐसा नहीं है, आपका जितना बीवी ज्यादा उतना उस 14% फंड में से आपको ज्यादा मिलेगा। अगर किसी ने 5 बीवी किया और एलिजिबल है तो उसको 5 बीवी का वैल्यू मिलेगा, किसी ने 5,00,000 किया और वो एलिजिबल है तो उसको 5,00,000 का वैल्यू मिलेगा। तो जितना परफॉर्मेंस ज्यादा उतना आउटपुट ज्यादा। अब ये डायरेक्टर बोनस के लिए डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स, कई लोग पॉइंट्स बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते, बट बैकएंड में उनके कैलकुलेशंस होते हैं। तो डायरेक्टर पॉइंट्स मतलब हमें समझना बहुत जरूरी है। यहां पे मैंने एक जनरल ट्री बनाया है, एक्स ए बी, ये भी डायरेक्टर है, ये भी डायरेक्टर है, और ये भी डायरेक्टर है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। तो ये जनरल एग्जाम्पल है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, सबसे सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है कि एक्स का जितना भी पीजीबीवी, पीजीबीवी क्या था याद है, कमेंट सेक्शन में लिखो पीजीबीवी क्या है, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, जिसमें आपके डाउनलाइन में जो डायरेक्टर है वो कैलकुलेट नहीं होते हैं। तो इसके अलावा जितना भी है उस पीजीबीवी का मानो के 6% निकाले, फिर ए के पीजीबीवी का 5% निकाले और बी के पीजीबीवी का 4% निकाले, इन सब का टोटल करेंगे तब जाके एक्स का डायरेक्टर बोनस पॉइंट हमें मिलेगा। तो एक्स का मानो के डायरेक्टर बोनस पॉइंट हो गया 10,000, जो बहुत बड़ी अमाउंट है, 10,000 बोल रहा हूं मैं, 10,000। अब ऐसे मानो के पूरे कंपनी में 12,00,000 डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स हैं। अब ये डायरेक्टर बोनस पॉइंट और कंपनी का टोटल बीवी, उसको डिवाइड करके हर एक बोनस पॉइंट की एक वैल्यू निकलती है कि ये महीने बोनस पॉइंट की वैल्यू क्या है। बोनस पॉइंट की वैल्यू हो गई 1.5 रुपया,
मानो कि हम फॉर एन एग्जांपल डीबी पॉइंट निकल के आया 1.5 रुपीज, तो 1.5 रुपीज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। मानो एक्स का 10,000 था, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो जिससे उसकी डायरेक्टर बोनस इनकम आएगी। ए का 5,000 था तो 5,000 के हिसाब से आएगी, बी का 20,000 था तो 20,000 के हिसाब से आएगी। तो डायरेक्टर बोनस पॉइंट में सबसे पहले डायरेक्टर बोनस पॉइंट का कैलकुलेशन समझना जरूरी है, उसके बाद डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकालने के बाद एक डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालनी है वो समझना जरूरी है, उसके बाद जो आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट था उसको उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। कई बार 0.7 भी आता है, कई बार 1.5 आता है, तो इस तरह से डायरेक्टर बोनस पॉइंट के हिसाब से आपका डायरेक्टर बोनस इनकम डिटरमाइन होती है। थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है ये इनकम 99.99% मंथली बेसिस पे होती है, कैलेंडर मंथ फ्रॉम 1st to 30th। क्लियर? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, क्लियर करेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एमएलएम जनरेशन प्लान का इनकम में नेक्स्ट इनकम है फंड्स, मतलब मैंने इसको जनरलाइज कर दिया है। कंपनीज इसमें 5-6 तरह की इनकम गिनाती है, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, कई कंपनीज तो मैंने देखा है बाइक फंड देते हुए, बाइक फंड। तो ये क्या होता है, सेम एज डायरेक्टर बोनस परसेंटेज होते हैं। मानो के कार फंड तो जितना भी है टर्नओवर का आपको 6% बस उसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी हार्ड कर देते हैं। हाउस फंड 8%, 6%, ट्रैवल फंड 2%, बाइक फंड 1%, ऐसे हिसाब से रहता है। और बड़ी कंपनीज क्या करती है, छोटी कंपनीज जिसने मतलब मैंने पिछले एक साल में सॉफ्टवेयर बनाया ना, किसी ने ये कंडीशन अप्लाई नहीं की है, ध्यान से सुनना। कार फंड है तो वो आप रिडीम मतलब आपके अकाउंट में नहीं ले सकते हो, उस फंड को कार खरीदने में ही यूज करना होगा। हाउस फंड फिर वो मतलब समझो हाउस फंड है तो वो तो 10-20 हजार इकट्ठा हुआ तो घर तो मिलने नहीं वाला, तो ये लाखों में जाएगा तभी जाके आप इसको यूज कर पाओगे। कंपनी के साथ वो फंड पड़ा रहा तो कंपनी उसको यूज कर पाएगी। तो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स रहते हैं और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। ट्रैवल फंड, आपको कहीं पे घूमने जाना है, कंपनी में रिक्वेस्ट डालो, जितना बैलेंस है वहां से यूज होगा, एक्स्ट्रा जा रहा है तो आपसे मांगा जाएगा। फुकेट घूमने जाना है, मलेशिया घूमने जाना है तो आप ट्रैवल फंड के हिसाब से कर सकते हो। सेम गोज फॉर बाइक, तो कई बार आप इसका अलग वॉलेट बनवाइए या तो आप इसको अलग मैनेज करिए। ये हम ऐसा एडवाइस करते हैं कि जो आ रहा है वो दे दो, इससे इनिशियल मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि जनरेशन प्लान वैसे भी स्लो है यार, 6 महीना साल 2 साल पेशेंस रखने के बाद इनकम दिखना शुरू होता है। उसमें भी कुछ इनकम्स तो आप रख लोगे, होल्ड कर लोगे, तो फिर कुछ मिलने नहीं वाला। तो इसमें हुआ क्लियर, जो फंड्स है वो डायरेक्टर बोनस पॉइंट के हिसाब से ही निकाले जाएंगे। जब डायरेक्टर बोनस पॉइंट में टोटल बीवी का हमने 14% निकाला या 12% जो भी था, वैसे टोटल बीवी का कार फंड में हम लोग 6% निकालेंगे, फेयर इनफ। हाउस फंड में 10% 8% जो भी हो वो निकालेंगे, उस हिसाब से जितना बीवी मैंने अचीव किया होगा, जितना ज्यादा डायरेक्टर बोनस पॉइंट मेरा होगा, उतना मुझे हाउस फंड इनकम, कार फंड इनकम, ट्रैवल फंड इनकम मिलेगा। तो फंड टाइप की पूरी जनरेशन की इनकम्स आपको क्लियर हो गई होगी। यहां पे कंप्लीट करते हैं हमारा जनरेशन प्लान की जानकारी। मैंने ओवरव्यू दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने जाता तो बहुत बड़ा वीडियो बनता, आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाता, बट मोस्टली मैंने ट्राई किया है कि ये वीडियो देखने के बाद एक आपको ओवरव्यू पता चल जाए, सर्कल जनरेशन का सर्कल कैसे कंप्लीट होता है। बाकी बहुत सारे मैंने ऐसे एमवे, वेस्टिज या मोदी करके लीडर देखे हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं बट उनको बिजनेस प्लान नहीं पता होता। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इतना टेंशन मत लेना। बाकी आपने बिजनेस प्लान की जानकारी के हर एक वीडियो को बहुत प्यार दिया है, मुझे पता है आप इस वीडियो के भी इतना ही प्यार दोगे,
तो आपने अगर लाइक बटन नहीं क्लिक किया है तो लाइक बटन क्लिक कर लो, उसके बाजू में इस साइड आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, अगर रह गया है तो उसको भी क्लिक कर लो। बाकी दूसरे जो हमारे बिजनेस प्लान है मैट्रिक्स और बाइनरी, वो आपने नहीं देखे तो यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, तो वो भी आप देख सकते हो क्लिक करके। इसी तरह हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने, हमारी जेन्युइन नॉलेज शेयर करने के लिए लगे रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आप कोई और बिजनेस प्लान जानना चाहते हो, कुछ चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।